हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने अभी जस्ट 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारे बच्चों के यानी CBSE बोर्ड में तो भी एग्ज़ाम कंप्लीट भी नहीं हो पाए हैं। कुछ एग्ज़ाम अभी आप लोगों के बचे हुए हैं। उम्मीद यह है कि अप्रैल में आप लोगों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। अब जनरली क्या होता है, आप सभी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये हमारी 11th क्लास की पहली फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि मेन ये जो क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की है इसके पीछे मेन कारण है क्या बच्चों। ठीक है, देखिए जनरली 11th क्लास हम एवरी ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं और इस बार भी हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स की स्टूडेंट की हमारे पास में क्वेरी ये है कि सर अभी तो हमारे एग्ज़ाम ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, कैसे हम क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं? तो जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि भैया जब आप 10th क्लास से स्विच करके 11th क्लास के अंदर आएंगे तो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में बहुत सिलेबस कवर करना है। स्टूडेंट 11th क्लास का जो सिलेबस है वो 12th क्लास के कंपैरिजन में 2 गुना है बच्चों, एकदम से डबल है, बहुत सारा सिलेबस है। अगर हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट करने में थोड़ा सा भी डीले किया तो ये समझिए कि हम अपना सिलेबस सही तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोगों को कोर्स थोड़ा जल्दी चलाना पड़ेगा या आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे या थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब चूंकि आपके एग्ज़ाम होने में अभी टाइम है, भाई लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते हैं कि एग्ज़ाम 10 दिन के बाद हो, 15 दिन के बाद हो या 20 दिन के बाद हो। अब जितना भी समय आपके एग्ज़ाम से पहले हमारे पास में बचा हुआ है हम ये चाहते हैं कि उस टाइम को सही तरीके से, उस टाइम का हम सही तरीके से यूज़ करें और कम से कम उस टाइम में हम 11th क्लास का कुछ सिलेबस कवर करें। ठीक है स्टूडेंट? ओके, तो बच्चों 1 अप्रैल यानी आज से हम आपके 11th क्लासेस के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ही आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू JEE और नीट, जो स्टूडेंट 11th+JEE या खाली स्कूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है, और जो बच्चे स्कूल लेवल या 11th+नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों आपकी 1 अप्रैल से लेकर स्टूडेंट 7 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक आप लोगों की जो क्लास रहेगी वो हमारी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर रहेगी। हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट लाइफाई लर्निंग, LIFI लर्निंग, लाइफाई लर्निंग। वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में आपकी अलग कैटेगरी बनी होगी, उस कैटेगरी में 11th क्लास फिजिक्स, 11th क्लास केमिस्ट्री, 11th क्लास बायोलॉजी एंड 11th क्लास मैथमेटिक्स के आपके कोर्सेज रहेंगे, और वहाँ जाकर आप लोग अपने स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। और 7 अप्रैल के बाद यानी 8 अप्रैल से हमारा जो प्लेटफॉर्म है लाइफाई लर्निंग, जिसकी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है या हमारे वेब पोर्टल पर जाकर आप हमारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल बच्चों मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप लोग अभी घर में हैं और आप 10th क्लास से स्विच करके 11th क्लास के अंदर आ रहे हैं, और जब बच्चा 10th से स्विच करके 11th में आता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं बच्चों। जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। फिजिक्स का लेवल एकदम से बहुत राइज हो जाता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इनका लेवल भी राइज हो जाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें स्मूथली पढ़नी है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से चलना पड़ेगा, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आप लोगों की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। तो मेन पॉइंट 2 हैं बच्चों, 7 अप्रैल तक आप लोगों की क्लास यूट्यूब पर होगी, उस 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के दौरान आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे पास में करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी हम आपको यूट्यूब की वीडियो में बता चुके हैं, या स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 8 अप्रैल से आप लोगों की क्लास हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगी। इन 7 दिन में आप इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि साइंस यानी साइंस स्ट्रीम जो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर लेनी है उसे लेने के बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी आप लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और क्या इन सबका लेवल रहने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए
तो ये बात तो बच्चों हम लोगों की हो गई बेसिक कि भाई हमारी क्लास हम लोग जल्दी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो और आगे चलकर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। इसीलिए आप लोगों के पास भी टाइम है, हमारे पास भी टाइम है, हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लंबी क्लास आप लोगों की रहने वाली है नहीं, डेली आप लोगों की 35 to 40 मिनट की क्लास होगी स्टूडेंट। 35 to 40 मिनट के अंदर हम काफ़ी सिलेबस कवर अप कर लेंगे। फिजिक्स में मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, माई सेल्फ आमिर अली, HOD फिजिक्स हयात इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 11th क्लास के फिजिक्स के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए आज यानी 1 अप्रैल की जो वीडियो आप लोगों के सामने बनाई गई है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि आप लोगों को आपके सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराया जा सके कि भाई 11th क्लास की फिजिक्स में, अगर मैं ओनली फिजिक्स की बात करूँ तो 11th क्लास की फिजिक्स में आप पढ़ने वाले क्या क्या हैं, क्या क्या आप 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों 11th क्लास की फिजिक्स में स्टार्टिंग के लगभग 10 दिन यानी 10 डेज हम लोग फिजिक्स का एक भी वर्ड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो स्टार्टिंग के 10 दिन है ये आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन 10 दिनों के अंदर हम लोगों को उन सारी चीज़ों की बात करनी है। बस ये समझिए कि आप लोग जंग पे जा रहे हैं, हम लोगों को एक बैटल जीतनी है बच्चों, और उस जंग को जीतने के लिए हमारे पास में वेपन होने चाहिए, हमारे पास में वेपन होने चाहिए, और उन वेपन को जो इकट्ठा हम लोगों को करना है वो इन 10 दिन के अंदर करना है। 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो आप लोगों के लिए एक बैटल की तरह है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साइंस के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए एक बैटल की तरह है, और अगर उस बैटल को हमें जीतना है स्टूडेंट तो हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे वेपन होने चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्टिंग के 10 दिन हम उन सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों जो हम अपनी 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, या मैथमेटिक्स का वो पोर्शन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास में क्वेरी आती रहती है, चाहे वो बायोलॉजी यानी नीट बैकग्राउंड से हो या JEE बैकग्राउंड से हो, कि सर हम लोगों को फिजिक्स में दो जगह प्रॉब्लम आती है, एक तो मैथमेटिकल अप्रोच बनाने में यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जहां मैथमेटिक्स का टर्म यूज़ होता है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, दो बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े शानदार वर्ड हैं जो आपके सामने आएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ओके, इनके अलावा अलजेब्रा का काफ़ी यूज होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स की ऐसी हैं जो फिजिक्स में आती है। तो हमारे पास में क्वेरीज ये आती हैं कि सर हमें दो जगह प्रॉब्लम आती है, एक हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। हो सकता है कि आप लोगों को भी 10th क्लास में प्रॉब्लम आती हो, 10th क्लास के अंदर भी फिजिक्स के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां न्यूमेरिकल्स की बात होती है। तो 11th क्लास में फिजिक्स में दो जगह बच्चों को प्रॉब्लम आती है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है, एक कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आती है बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि फिजिक्स में कोई भी फिनोमिना हो रहा है वो यार किस तरह, हम रट तो लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, डेफिनेशन को रट लिया, डेरिवेशन को रट लिया, फॉर्मूले को रट लिया, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आया तो वैल्यू पुट कर दी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन ये फिजिक्स बिल्कुल नहीं है भैया, ये फिजिक्स बिल्कुल नहीं है। ये तो यार एक तरीके से लिटरेचर बन गया हम लोगों के लिए कि कोई डेफिनेशन आई उसे रट लिया, हो गया काम। कोई कोटेशन आया, मतलब किसी साइंटिस्ट ने अपना कोई स्टेटमेंट दे रखा है उसे रट लिया, हो गया काम। कोई डेरिवेशन रट ली तो हो गया काम। कोई फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लिया तो हो गया काम। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें हर चीज़ को अप्रोच के साथ चलना है। तो दो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने जिन्हें हमें फिजिक्स में फर्स्ट डे से ही क्लियर करके चलना है स्टूडेंट। पहली प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हम लोगों से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उनके साथ में हमें कैसे डील करना है। चाहे कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, दोनों को इस जगह प्रॉब्लम आती है, उन्हें हमें कैसे डील करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भैया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे मैथमेटिक्स टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग के 10 दिन, शुरुआत के 10 दिन हम उन्हीं मैथमेटिकल टूल के ऊपर काम करने वाले हैं। और यकीन मानिए अगर 10 दिन के मैथमेटिकल टूल आप लोगों ने अच्छे तरह, हो सकता है कि 10 दिन से कम का भी समय लग जाए, लेकिन अगर ये मैथमेटिकल टूल आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिए बच्चों, अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्न कर लिए, तो कभी भी आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो पहली प्रॉब्लम का समाधान ये है कि शुरुआत के 10 दिन हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानेंगे बच्चों।
दूसरी प्रॉब्लम, ये भी यार एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि नाइन्थ और टेंथ क्लास से ही एक बच्चे को रियलाइज़ हो जाता है कि फिजिक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी को याद करने का कोई जगह नहीं है, थ्योरी को याद करने की कोई जगह नहीं है, फॉर्मूले को रटने की कोई जगह नहीं है। फिजिक्स में अगर किसी चीज़ का स्पेस है तो वो सिर्फ है कॉन्सेप्ट को समझने का, कौन सा फिनोमेना किस तरीके से हो रहा है उस चीज़ को समझने का जो स्पेस है वो फिजिक्स में है। तो उस प्रॉब्लम को यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से क्लियर करेंगे, भाई पहली प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, वो समस्या आपको कभी नहीं आएगी। दूसरी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को सीखने की। तो बच्चों इस बार हम लोगों ने इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए एक अपना नया, ये समझिए कि एक नया स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये आपके सामने जो पीछे व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ये एक इंटरेक्टिव पैनल है स्टूडेंट, इंटरेक्टिव पैनल। इस इंटरेक्टिव पैनल पर जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, स्पेशली फिजिक्स हम लोग कह सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं, तो यहाँ वो फिनोमेना आपको होता हुआ दिखाई देगा। बच्चों मान लीजिए कि कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो वो व्हीकल आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। जब वो फिनोमेना आपके सामने आपको होता हुआ दिखाई देगा तो उस कंडीशन को अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी उस सिचुएशन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर एक बार हम उस सिचुएशन को समझ गए तो मुझे पूरा यकीन है कि उस न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स को लेकर डर रहे हैं कि भैया हम 10th क्लास से 11th क्लास में जाएंगे और हमें JEE क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है और वह है फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमारे पास में जो दो मेजर प्रॉब्लम है दोनों का समाधान मौजूद है। पहली मेजर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बन पाती है, उसका समाधान हमारे पास में मौजूद है, और स्टार्टिंग के 10 दिन बस उसी बीमारी की दवाई हम आप लोगों को देने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। वो जो आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम है उसी का हम लोग सॉल्यूशन निकालने वाले हैं स्टूडेंट, स्टार्टिंग के 10 दिन में आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन थोड़ा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप घर पर बैठकर 5 घंटे पढ़िए, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि क्लास के अंदर जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो अप टू डेट आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास में ध्यान से पढ़ें, 30 मिनट्स 40 मिनट्स 45 मिनट्स आप उसे बैठकर अच्छे तरीके से तैयार करें कि क्या आप लोगों को आज पढ़ाया गया है, उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करें जो आप लोगों को उस दिन कराई जाएगी या होमवर्क में दी जाएगी, उसके बाद में सब कुछ रेडी हो जाएगा स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप उस बात को समझ रहे होंगे। हमने आपकी दोनों प्रॉब्लम का समाधान निकाल दिया है, आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे, और इस इंटरेक्टिव यानी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हयात ने आपकी दूसरी समस्या का भी समाधान कर दिया है, और वो दूसरी समस्या है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली, कि आप समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, आपको पता नहीं चल पाता है कि भाई वैल्यूज तो दे रखी हैं लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है फिजिक्स का, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उस समस्या का समाधान भी आप लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपकी इंट्रोडक्शन के तौर पर हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि ठीक है यार, आज 1 अप्रैल है, हम अपनी 11th फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या। देखो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा कि आप नीट कैसे क्रैक करोगे, नहीं बताऊंगा, JEE कैसे क्रैक करोगे, नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप फिजिक्स के एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, नीट कैसे क्रैक करना है, एम्स कैसे क्रैक करना है, मेंस कैसे क्रैक करना है, एडवांस कैसे क्रैक करना है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका है जिसका यूज करके आप फिजिक्स की चाहे कैसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो आप कैसे बना सकते हैं, एक छोटे लेवल की प्रॉब्लम से लेकर एक मेजर लेवल की प्रॉब्लम को आप फिजिक्स में इजीएस्ट वे में, आसान से आसान तरीके में आप कैसे बना सकते हैं। फेथ करिए, क्लास के अंदर थोड़ा पेशेंस रखिए और ध्यान से हमारी बात को सुनिए, फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इस बात को यही ख़त्म करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, और आज मुझे सिर्फ छोटा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि फिजिक्स में हम पढ़ने वाले, देखिए जब मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट करूंगा आफ्टर मैथमेटिक टूल,
तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिकल टूल की, और मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई आपके सामने फिजिक्स में दो ही प्रॉब्लम आ सकती हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस की, और उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि मैथमेटिकल टूल से बढ़िया उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने जो आ सकती है वो है कॉन्सेप्ट को समझने की। देखिए फिजिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है, चाहे वो कोई एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज हो, या कोई एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, क्योंकि फिजिक्स एक इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है बच्चों कि इसकी सभी प्रॉब्लम्स को बनाना इम्पॉसिबल होता है। आप जैसे जैसे लेवल पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फिजिक्स की प्रॉब्लम का जो लेवल है वो भी राइज होता जाता है। तो फिजिक्स के अंदर जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है कॉन्सेप्ट को समझना, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंटरैक्टिव पैनल से अच्छा तरीका हमारे पास में कुछ भी नहीं हो सकता है। इंटरैक्टिव पैनल का यूज़ करके आप ये समझिए कि आप उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई फेनोमेना हमारे सामने हो रहा है, तो इंटरैक्टिव पैनल में जब आपके सामने वो आपको होता हुआ दिखेगा कि भैया कौन कौन से कारण हैं उसके पीछे, फिनोमिना कैसे हो रहा है, तो फिजिक्स की प्रॉब्लम को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो बच्चों दो जो मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने फिजिक्स को लेकर आ सकती हैं, हमने दोनों का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। एक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बन पाती हैं उसके लिए मैथमेटिकल टूल के ऊपर हम स्टार्टिंग के 7 दिन या 10 दिन अपनी कमांड बनाएंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम लोग कल से मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करके और लास्ट तक सारी कंडीशंस उसी की पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो हमारा विजुलाइजेशन है, कॉन्सेप्ट को समझना है, आधे से ज़्यादा काम तो मैं ही करूँगा, कुछ काम आप लोग करेंगे, कुछ इंटरेक्टिव पैनल करेगा, हम तीनों के सहयोग से आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और फिर फिजिक्स आप लोगों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं रहेगा बच्चों, आपको फिजिक्स में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग का 1 हफ्ता या 10 दिन हम मैथमेटिकल टूल की बात करेंगे। रोज आप लोगों की क्लास होगी 30 मिनट से 40 मिनट तक, रोज आपको DPP दी जाएगी। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि क्लास को अच्छे से समझना है। DPP आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिस पर आपको DPP मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे। उन्हें आपको सॉल्व करना है, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं आपके पास में। पहला तरीका, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, हमें YouTube पर आप कमेंट्स करिए, हम आपको आंसर वहीं प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा 7 दिन या 10 दिन के बाद हम अपनी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स में यकीन मानिए कि जो पहला टॉपिक आपका रहने वाला है, मुझे कुछ मतलब नहीं है कि आप 9th में क्या पढ़कर आए या 10th में क्या पढ़कर आए, मुझे सिर्फ मतलब इतना है कि आप लोगों से मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीज़ें अगर आप लोगों से आती है तो मुझे काफ़ी है, मैं आप लोगों को फिजिक्स सिखा दूंगा। बस ये 4 चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और फिर हम लोग जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, नीट वाले स्टूडेंट हैं, हम टारगेट करके चलेंगे कि उन्हें 12th के साथ ही अप्रोच क्लियर करनी है और एग्ज़ाम क्लियर करना है। JEE वालों के लिए JEE के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो ओनली बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उसमें हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। अच्छा, मैं चारों तरफ यार अपने देखता हूँ, 100 में से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर समय नीट, JEE, एम्स चिल्लाते रहते हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे अकॉर्डिंग नीट, JEE, एम्स नहीं है कुछ भी, हमें मतलब है सिर्फ सब्जेक्ट को समझने से। अगर मैं फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ, और अगर मैं उसे अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं उसका हर एक क्वेश्चन बना सकता हूँ। फिर क्या JEE का एग्ज़ाम है, और क्या नीट का एग्ज़ाम है, और क्या एम्स का एग्ज़ाम है, हमारे लिए सब बराबर है। तो हमारी अप्रोच नीट, JEE, एम्स को क्लियर करने पे बिल्कुल नहीं रहेगी, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं बच्चों, हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हमें फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम लोगों को समझ में ना आए। थोड़ा सा फेवर मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ, जब आप लोगों को क्लास पढ़ाई जाएगी तो आप लोगों को ऑनेस्ट रहना है बच्चों। ऑनेस्ट का मतलब ये है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, आप लोग मुझसे यूट्यूब पर पढ़ें या प्लेटफॉर्म पर पढ़ें या हमारी क्लासरूम में बैठकर पढ़ें या आप कहीं भी पढ़ें, सबसे ज़रूरी चीज़ है एक स्टूडेंट का ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार है
तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। भले ही आप लोग कम पढ़ते हैं लेकिन आप लोगों को ईमानदार ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अब यहाँ ईमानदारी का मतलब यानी ऑनेस्टी का मतलब किस चीज़ से है? ईमानदारी इस बात की है बच्चों कि जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट, उसमें आप लोगों को हर एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर रखना है। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। आपको DPPs की प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस के ऊपर सॉल्व करनी है स्टूडेंट, DPPs की प्रॉब्लम आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर सॉल्व करनी है, ओके? और जो भी डाउट आए आप लोगों को हमारे साथ में डिस्कस करने हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सभी चीज़ों के बाद आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। तो 7 दिन या 10 दिन हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा पहला टॉपिक आना है फिजिकल वर्ल्ड, और फिजिकल वर्ल्ड में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा स्टूडेंट वो आएगा फिजिक्स। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में आएगा व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फिजिक्स कहाँ से आई है, कितनी ब्रांचेज हैं फिजिक्स में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब आप ये समझिए कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। बस आप लोगों को ज़ीरो लेवल से अपनी पकड़ मजबूत करनी है और सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़कर चलना है स्टूडेंट, ठीक है? तो ये सारी बातें तो हो गई हमारी क्लासरूम को लेकर कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चों को मिस कॉन्सेप्ट है कि भाई हम ऑनलाइन में कैसे पढ़ेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या होगा। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बड़ा आसान है। मैं आपको पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, अब फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 1 अप्रैल to 7 अप्रैल आपकी क्लास YouTube के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगी। हमारे चैनल का जो नाम है स्टूडेंट वो है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, हमारे चैनल का नाम है लाइफ आई लर्निंग। बच्चों ये हमारे चैनल का नाम है YouTube के ऊपर, लाइफ आई लर्निंग। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुँच जाए, और डेली बेसिस पर आप अपनी वीडियोस 1 वीक तक यानी 7 अप्रैल तक यहां जाकर देख सकते हैं। 8 अप्रैल से यानी 8 अप्रैल से हम आप लोगों को हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, उस ऐप के ऊपर हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आपके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। फिर आप हमारे ऐप के थ्रू हमारा स्टडी मटेरियल, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारी DPP, होमवर्क सिस्टम और हमारी क्लासेस को बड़े अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। अच्छा, अगर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है बच्चों, तो उसका प्रोसेस बड़ा आसान है। नीचे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉल करिए, आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहने वाला है। बड़ा ईजी प्रोसेस है, बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है? तो ये आज की हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी बच्चों। कल से हम लोग अपना मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 1 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पूरा कोऑपरेशन मुझे मिलेगा। जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो बात आप लोगों तक पहुंचेगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, और आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।